आपके पपी को नहीं पता कि उससे उनसे दूर रहना चाहिए, इसीलिए आपको ही उन्हें उनसे दूर रखना पड़ेगा। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। एंड आज की वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 10 प्लांट्स जो कि आपके पपी के लिए पॉइजनस हो सकते हैं। प्लांट्स हमारे घर की शोभा को बढ़ाते हैं, हमारे घर को अच्छा दिखने में मदद करते हैं और हमें नेचर के पास फील करवाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कुछ इंडोर प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि आपके लिए तो अच्छे हैं पर आपके पपी के लिए ये जहरीले साबित हो सकते हैं। आप आपके पपी को तो पता नहीं होगा कि कौन से प्लांट से उसे दूर रहना चाहिए, तो इसमें आपको ही उन्हें उनसे अलग रखना पड़ेगा। वेट्स ने भी इस बारे में बताया है कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें डॉग से दूर रखना चाहिए, और आज इस वीडियो में आपको वही पता चलने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। तो चलिए अब हम उन प्लांट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आता है एलोवेरा, क्योंकि इस प्लांट की देखभाल करना आसान है और इसकी बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं, इसीलिए ये प्लांट बहुत सारे घरों में पाया जाता है। दुर्भाग्यवश ये प्लांट जिसकी जेल का बहुत सारे फायदे होते हैं, उसमें कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो कि आपके पपी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अगर आपके पपी ने गलती से इसे खा लिया तो आपको कुछ ऐसे साइन देखने को मिलेंगे। वो बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो जाएंगे, उनका पेट खराब होगा जिसमें वो बहुत ज़्यादा वॉमिट करेंगे और उन्हें डायरिया भी हो सकता है। अगर आपके घर में ये प्लांट है तो इसे इतनी ऊंचाई पर रखें जिससे आपका पपी इसे खा ना पाए। सेकेंड आता है गोल्डन पोटोस। ये दूसरे पॉइजनस प्लांट्स हैं डॉग्स के लिए, क्योंकि इनमें इनसॉल्यूबल कैल्शियम ऑक्सलेट्स होता है जो कि ग्लास जैसे क्रिस्टल्स होते हैं, जो अगर आपके पपी ने खा लिया तो उसे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगा जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ देगा और उन्हें जलने जैसा भी फील होगा उनके मुंह के पास। इससे वो बहुत ज़्यादा ड्रूल करेंगे, उन्हें वॉमिटिंग भी हो सकती है और स्वॉलो करने में भी बहुत डिफिकल्टी होगी। तीसरा आता है मिल्कवीड। वैसे तो ये प्लांट्स कुछ इंसेक्ट्स जैसे मोनार्क बटरफ्लाइज एंड टसॉक्स मॉथ्स के लिए बहुत अच्छा होता है, पर आपके डॉग्स के लिए ये एक और टॉक्सिक प्लांट है। इन प्लांट्स के कुछ स्पीशीज में कार्डियोटॉक्सिन्स होता है जो कि आपके पेट के हार्ट को अफेक्ट करता है, वही कुछ में न्यूरोटॉक्सिन्स होता है जो कि उनकी ऑर्गन हेल्थ को और मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। इसलिए इस प्लांट को आप अपने पपी से जितना दूर रखेंगे उतना ही अच्छा होगा। अगर उन्होंने इससे खा लिया तो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, उन्हें डिप्रेशन, वीकनेस और डायरिया जैसी बीमारी भी हो सकती है। इतना ही नहीं, आपके पपी को और भी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम जैसे सीजर्स, ऑर्गन का फेल होना, सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। ये प्लांट आपके पपी के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। चौथा आता है सैगो पाम। ये प्लांट बहुत ही लीफी, खूबसूरत और जल्दी बढ़ने वाला होता है जिससे ये बहुत से लोगों की पसंद है, पर ये आपके पपी के लिए इतना भी अच्छा नहीं है। अगर उन्होंने इसे खा लिया तो उन्हें वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल में तकलीफ, ट्रेमोर्स, सीजर्स जैसी गंभीर तकलीफ हो सकती है। इतना ही नहीं, इसकी वजह से आपके पपी का लिवर भी फेल हो सकता है और उनकी जान भी जा सकती है। सिर्फ एक सीड खा लेने से ही इनका बहुत नुकसान हो सकता है। फिफ्थ, एजलियाज। ये बहुत ही कलरफुल और अच्छे दिखने वाले प्लांट्स होते हैं जिसकी वजह से आपका पपी इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है, पर इस प्लांट के सभी पार्ट्स आपके पपी के लिए जहरीले होते हैं। इनके लीव्स, फ्लावर्स, सीड्स और जो हनी इनके नेक्टर से निकलता है वो भी। जब आपका पपी एजलियाज को खा लेता है तब इसकी वजह से उन्हें हाइपर सेल्वेशन, वॉमिटिंग, डायरिया, मसल वीकनेस, देखने में प्रॉब्लम, हार्ट रेट का कम होना, ब्लड प्रेशर कम होना और भी कई गंभीर प्रॉब्लम्स हो सकती है, और ये प्लांट भी उनके लिए जानलेवा हो सकता है। सिक्स्थ आते हैं ट्यूलिप्स। ये बहुत ही पॉपुलर प्लांट्स होते हैं, पर इनकी वजह से आपके पपी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। ये प्लांट्स के सभी पार्ट्स आपके पपी के लिए बहुत टॉक्सिक होते हैं। अगर आपके पपी ने इसे खा लिया तो आपको कुछ ऐसे साइंस देखने को मिलेंगे जिसमें है वॉमिटिंग, डायरिया, हाइपर सेल्वेशन एंड डिप्रेशन। सेवेंथ आते हैं डम केन। ये लीफी सा ट्रॉपिकल इंडोर प्लांट है जिससे बहुत ही कम धूप की ज़रूरत होती है।
ये दिखने में भले ही अच्छा दिखता हो, पर इसे आपके पपी से जितना दूर रखेंगे उतना ही अच्छा होगा। इस प्लांट में कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स होते हैं जो कि छोटे माइक्रोग्लास जैसे होते हैं, जो कि काफ़ी हद तक सुई जैसे होते हैं, और इसको खाने से आपके पपी के लिए बहुत टॉक्सिक रहेगा। अगर वो इन्हें खा ले तो वो बहुत वॉमिट करेंगे, उनका मुंह या गला सूजा हुआ होगा, उन्हें बहुत ज़्यादा ओरल पेन होगा, इससे उन्हें स्किन इरिटेशन भी हो सकता है। अगर वो इस प्लांट के पास भी गए तब भी उन्हें ये चीज़ें हो सकती है। अगर आपके पपी का इससे कांटेक्ट में आ जाता है तो उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। एट आता है एलिफेंट्स ईयर। एलोकेशिया, जिसे एलिफेंट्स ईयर भी बोलते हैं, एक डार्क ग्रीन प्लांट होता है जो कि इंडोर्स में पाया जाता है। डम केन की तरह ही इसमें भी कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स होते हैं, जिसे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है इंटरनली और एक्सटर्नली। अगर आपके पपी ने इसे खा लिया तो उनके तुरंत ही पेट के पास लेकर जाए, ताकि अगर कुछ सिम्टम्स दिख रहे हों तो उसे भी ट्रीट किया जा सके। अगर आपके पपी की आंखें या फिर स्किन में इरिटेशन हो रहा है तो उन्हें तुरंत ही पानी से धोएं। नाइन्थ है लिस्ट में साइट्रस प्लांट्स एंड पीन्स। बहुत से साइट्रस के प्लांट्स अलग अलग खाने लायक फ्रूट्स देते हैं, जैसे ग्रेप फ्रूट, ऑरेंजेस एंड लेमन्स, जो कि आपके पपी के लिए टॉक्सिक है। अगर उन्होंने उस प्लांट को खा लिया तो एग्जाम्पल के तौर पर फ्रूट की स्किन या लीव्स या फिर स्टेम भी बहुत डेंजरस होता है। अगर आप इस प्लांट को अपने घर पर ग्रो कर रहे हैं या फिर कहीं बाहर से भी अगर ला रहे हैं, दोनों ही केस में आपको अपने पपी को इनसे जितना हो सके उतना दूर रखना चाहिए। इसका रिएक्शन दूसरे टॉक्सिक प्लांट्स जितना सीवियर तो नहीं होता, पर फिर भी अगर आपको थोड़े भी सिम्टम्स दिखते हैं तो तुरंत ही अपने वेट के साथ अपॉइंटमेंट शेड्यूल ज़रूर करवाएं। टेंथ आता है ओलियंडर। ये प्लांट अपने वाइट और पिंक कलर के फ्लावर्स के लिए जाना जाता है, और ये एक और पॉइजनस प्लांट है आपके पपी के लिए। अगर आपके पपी ने ओलियंडर को खा लिया तो इससे उन्हें बहुत ज़्यादा सैल्विएशन, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, डायरिया और लथार्जी होगा। और इतना ही नहीं, इसकी वजह से उनका लिवर भी फेल हो सकता है और उनकी डेथ भी हो सकती है। जैसे ही आपको पता लगे कि आपके पपी ने इसे खाया है तो उन्हें तुरंत ही वेट के पास लेकर जाए, ताकि वो वॉमिट करवा कर उसे बाहर निकाल सके। वहाँ पर उन्हें कुछ थेरेपी दी जाएगी और उसके साथ ही कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाएंगी जिससे उन्हें उनके हार्ट और लिवर की जो प्रॉब्लम्स है वो कम हो सके और वो सर्वाइव कर सके। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो को और भी डॉग मॉम्स एंड डैड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने पपी के बारे में और अच्छे से जान पाए। मैं मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।